हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सक्सेस मंच में। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। हम करते हैं स्पेक्ट्रम का पूरा सार संग्रह विद पीडीएफ। चैप्टर वन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगी चैप्टर वन के संबंधित, जिसमें हम बात करेंगे असफलता की और जो भी चीज़ें रह जाएंगी आज के लेक्चर के बाद वो हम बात करेंगे। तो स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास, इसकी श्रेणी में आज पार्ट फोर। जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ अपने चैनल पे। मैं एनसीईआरटी का भी सार शुरू करूँगी, जो ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की है। ज्योग्राफी का भी सार शुरू करूँगी। काफ़ी सारी बुक्स जो हमारा बेस होता है प्री का और मेंस का दोनों का, उसके लिए हम लोग शुरू करेंगे सार संग्रह। स्पेक्ट्रम धीरे धीरे ख़त्म करने के बाद बाकी सारी बुक्स हम लोग शुरू करेंगे इसके साथ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में देखा था, देख लेते हैं हम लोग क्या देखा था हमने नेक्स्ट क्लास में। ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके बाद आगे देखते हैं। ये हमने देखे थे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो प्रारंभिक कारण थे, विद्रोह के सामान्य कारण, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और जल्द ही इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी जैसे ही ये सारे लेक्चर ख़त्म होते हैं। ये सारे विद्रोह हमने देखे थे, सारे एक एक विद्रोह हमने किए थे, और इसके जो मेन फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पॉइंटर के रूप में दिए हुए हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी वीडियोस में बताया था। तो आज हम करेंगे जो क्रांति की शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति, उसके जो तात्कालिक कारण थे, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और वो 1857 की क्रांति को करने के लिए उतारू हो गए। पहले भी बहुत सारी क्रांतियां हुई थी, बट छुटपुट क्रांतियां हुई थी, छोटे पैमाने पे शुरू हुई और छोटे ही पैमाने पे वो ख़त्म हो गई अंग्रेजों के दमन के द्वारा। बट 1857 की क्रांति को एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और ये बहुत ही व्यापक पैमाने पर शुरू हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे। नॉर्मल हमने देखा था, जब हमने पहले बात की थी तो हमने की थी कि जो प्रारंभिक विद्रोह हुए थे नॉर्मल, जैसे कूका विद्रोह हो गया, फराजी विद्रोह हो गया और बहावी विद्रोह हो गया, इस विद्रोह के सामान्य कारण क्या थे, जो हमने फर्स्ट स्टेप में कारण देखे थे लेक्चर वन में। अब हम देखेंगे कि जो 1857 का विद्रोह था उसके कारण क्या थे। तो ओवरऑल जब क्वेश्चन आएगा कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, तो आप इसको डिफरेंट पार्ट्स में लिखेंगे कि आर्थिक कारण ये थे, राजनीतिक कारण ये थे, सामाजिक कारण ये थे, और उसके बाद आप लिखोगे कि तात्कालिक कारण, मतलब कि मेन कारण तो ये था जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बट बहुत सारे और भी कारण थे जो मैंने आपको पहले बताया है, वो आप इसमें इंक्लूड करेंगे आंसर राइटिंग में। तो चेक, 1857 की जो क्रांति है वो आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ही विशिष्ट अपना महत्व रखती हैं, क्योंकि इसी क्रांति के द्वारा हमारा भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम था उसकी शुरुआत मानी जाती है। जो 1857 की क्रांति थी उसके तात्कालिक जो कारण, अगर मूल रूप से एक शब्द में कहा जाए तो सैनिक कारण थे। सैनिक कारण में ये मैंने पॉइंटर्स दिए हुए हैं विपिन चंद, इसमें सॉरी स्पेक्ट्रम में राजीव अहिर की बुक में पूरा ये एक पैराग्राफ में दिया हुआ है। उस पैराग्राफ को मैंने पॉइंट्स में डिवाइड करके आप लोगों की इजी से, आप लोग ये अच्छे से इजी वे में आप इससे तैयारी कर सकें, इसलिए मैंने पॉइंटर्स के रूप में दिया। अब मैं आपको इस पॉइंटर्स जो पूरे दिए हैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या चीज़ है। कंपनी ने इसमें सबसे पहले भारतीयों के प्रति जो भेदभाव की नीति रखी थी उसका सर्वाधिक जो स्पष्ट रूप था वो सेना में था। सेना में मूल रूप से भेदभाव की नीति यहाँ पर रखी गई थी। कारण ये था कि उसी में भारतीयों को रोजगार मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना थी, परंतु भारतीय सैनिकों के साथ बहुत ही वहाँ बुरा बर्ताव किया जाता था। इसमें पहले भी देखा हमने कि 1765 में बंगाल में, 1806 में बेलूर में, 1824 में बैरकपुर में, और बहुत जगह छोटे छोटे पैमाने पर सेना के विद्रोह होते रहे। कितनी भी योग्यता और बहादुरी दिखाने के बाद भी भारतीयों को जमादार से ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा। भारतीय जो सैनिक थे उनके वेतन भत्ते आदि भी अंग्रेजों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा यहाँ कम थे, और साथ ही खान पान, रहन सहन, व्यवहार में भी भारतीयों के साथ भेदभाव रखा जाता था।
सेना में भी पादरी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आते रहते थे। फिर कंपनी की नीति से जिस प्रकार भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था जो कुप्रभावित हो रही थी लगान के बढ़ने की वजह से और श्रमिकों के जो पारिश्रमिक है उसको बढ़ना कम करने की वजह से, तो उससे भी सैनिकों को असर पड़ता था, क्योंकि उस समय जो सैनिक थे उनकी आय उतनी नहीं थी कि आय से ही सारे परिवार का वो लोग पेट पाल सकें। इसलिए उन्होंने कृषि को आवश्यकता, जो कृषि करते थे वो सैनिक, मतलब सेना में सैनिक होने के साथ साथ वो कृषि का व्यवसाय भी अपनाते थे ताकि वो अपनी पूरी ज़रूरतें पूरी कर सके। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं सैनिक भी वर्दीधारी किसान ही थे, जिस पर लगान का ऑलमोस्ट उतना ही बोझ पड़ता था जितना कि किसान पर, नॉर्मल किसान पर पड़ता था। इसलिए भारतीय सैनिकों ने ये बर्दाश्त नहीं कर सके वो लोग, पर जब उनकी धार्मिक भावना पर चोट लगाई गई तब ये विद्रोह बहुत व्यापक रूप इस विद्रोह ने रख लिया, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, यहाँ दिया हुआ है मैंने, द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट की घोषणा की गई। इसके अनुसार भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार कर विदेश भी जाना पड़ सकता था। अब भारतीय जो थे उनकी धार्मिक भावना के अनुसार समुद्र यात्रा वो लोग पाप समझते थे और वो इसका विरोध कर रहे थे कि कंपनी की सेना में ये तो हो ही रहा था, प्लस क्या हुआ साथ में ही उसी समय सेना में एक नई इनफील्ड नामक राइफल आ गई, जिसमें ये सब आपने स्टोरी सुनी होगी, बट एक बार क्लियर कर लो ताकि आप ये जो पॉइंटर है इसके हिसाब से आप अपना आंसर बहुत अच्छे से लिख पाओ। अब जो इनफील्ड वाली राइफल आई उसमें गोली लगाने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और उस कारतूस में चर्बी चढ़ी होती थी। उस समय अफवाह उड़ी या सच था या झूठ अभी तक इसका नहीं पता चल पाया है कि उस चर्बी में जो कारतूस की जो ऊपर की होती थी जिसे मुंह से खोलना पड़ता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। सैनिकों को जैसे ही इस बात का पता चला वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा होने लगे। सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसी कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया। उसने काफ़ी उत्पात मचाया और कई अंग्रेजी अफसर को उनने मार दिया, तो इसी एवज में 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। 6 मई को सैनिकों ने फिर से विद्रोह कर दिया। अब कंपनी ने सैनिकों का रुख देखते हुए उनके जो अस्त्र शस्त्र से सब अपने पास जमा करने आरंभ कर दिए और सैनिकों को सजा दी जाने लगी और बड़ी संख्या में उन्हें कैद किया जाने लगा। अंत में 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध किया, विरोध की घोषणा की और विद्रोह कर दिया और इस तरह क्रांति की शुरुआत हो गई। तो ये पूरी स्टोरी थी कि 1857 की क्रांति की कैसे शुरुआत हुई। ये पूरी आप एज इट इज पैराग्राफ भी लिख सकते हो और जैसे मैंने पॉइंटर्स दिया वैसे भी पॉइंटर्स लिख सकते हो। जैसे एग्जाम में आप लोग के क्वेश्चन आएगा आप वैसे ही उसे अटेम्प्ट करोगे। चलो देख लेते हैं अब क्रांति का संगठन क्या था। 1857 की जो क्रांति है उसके संबंध में ये कहा जाता है कि इसमें संगठन का अभाव था, मतलब लोग संगठित नहीं थे इसमें। इस क्रांति के लिए जो उद्देश्य थे, समय था, प्रचार थी, तैयारी थी, एकता था, नेतृत्व था, ये आदि संगठन के सभी आवश्यक तत्व तो सम्मिलित थे, बट एक मेन संगठन जो होता है एक क्रांति से पहले का, वो यहाँ पर अभाव था उसका। क्रांति का संदेश नगरों से लेकर गांवों तक संप्रेषित किया गया था उस समय और संवाद संप्रेषण के लिए, मतलब आपस में बातचीत करने के लिए कमल और रोटी जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया जाने लगा था। अब इसमें उस समय कुछ संदेश ऐसे इस पे लिखते होंगे और एक दूसरे को पकड़ाते होंगे, क्योंकि रेल, डाक, तार, इन सब का तो कोई भारतीयों के पास सहूलियत नहीं थी, इसलिए वो इस टाइप के प्रतीकों का वहाँ प्रयोग करते थे। चलिए आगे देखते हैं क्रांति का उद्देश्य। तो क्रांति का उद्देश्य था निश्चित एवं स्पष्ट, यहाँ स्पष्ट आएगा स्पात नहीं, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। क्रांति का जो उद्देश्य था वो निश्चित था, स्पष्ट था। वो उद्देश्य था अंग्रेजों को देश से निकालना और भारत को स्वाधीन कराना, ये क्रांतिकारियों का अंतिम लक्ष्य था। ये कहना कि इस क्रांति में भाग लेने वाले जो सैनिक थे, जमींदार थे या छोटे मोटे शासकों के निजी हित थे, क्रांति के महत्व को कम करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। कई
दार्शनिकों ने बोला है या कहीं ऑथर्स ने बोला है, जो उस समय स्टोरी जिन्होंने बुक्स लिखी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये निजी हित के कारण क्रांति की गई थी। बट कुछ हद तक ये सही भी है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये जो क्रांति थी ये एकता पर आधारित थी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये की गई क्रांति थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रांति की समय का। तो संपूर्ण देश में क्रांति की जो शुरुआत हुई थी एक ही समय उसका निर्धारित किया गया था, वह था 31 मई का दिन। जे सी विल्सन ने इस तथ्य को स्वीकार कहा और किया है और कहा है कि प्राप्त प्रमाणों से मुझे विश्वास हो चुका है कि एक साथ विद्रोह करने के लिए 31 मई 1857 का दिन चुना गया। बट ये संभव है कि कुछ क्षेत्रों में विद्रोह जो है वो उसका सूत्रपात निश्चित दिन के बाद भी हुआ हो, किंतु इस आधार पर यह कहा नहीं जा सकता कि 1857 की क्रांति का सूत्रपात कोई निश्चित दिन नहीं किया होगा। मेन इसमें मोटा मोटा कहने की बात यह है कि विल्सन ने जितनी भी छानबीन की है उसके अकॉर्डिंग 31 मई का दिन निर्धारित किया गया था, बट क्रांति की शुरुआत अंग्रेजों की क्रूरता को देखते हुए 10 मई 1857 को ही सैनिकों द्वारा कर दी गई थी। आगे देखते हैं क्रांति की शुरुआत। क्रांति कैसे कैसे आगे बढ़ी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो हम इस पर पूरी अच्छे से नज़र मार लेते हैं। 1857 की क्रांति थी, इसकी शुरुआत मेरठ छावनी के स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता प्रेमी कह सकते हैं हम लोग सैनिक मंगल पांडे ने की थी। 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग में मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई। तो अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए जिन नए कारतूस जिसे इनफील्ड राइफल्स कहा जाता है, नए कारतूस उपलब्ध कराया था। उसमें जैसे कि मैंने बताया गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। छावनी के भीतर ही मंगल पांडे को पकड़ने के लिए अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़े तो उन अंग्रेज अधिकारियों को उसने मौत के घाट उतार दिया। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसे दी गई फांसी की खबर सुनके जो पूरे देश में क्रांति का माहौल उत्पन्न हो गया कि जिसने विरोध किया इस इनफील्ड राइफल्स का उसको फांसी दे दी गई। 6 मई 1857 को सैनिकों ने फिर से कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया। विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 साल की सजा दी गई यहाँ पर, और सैनिकों से हथियार छीन लिए गए। हथियार छीने जाने को मेरठ में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपमान का विषय समझा, क्योंकि वो उनकी आन बान और शान था उस टाइम में। ऐसी स्थिति में सैनिकों के लिए अंग्रेजों से बदला लेना मतलब उनके अंदर बैठ गया कि अब हमें अंग्रेजों से बदला लेना है, अपनी स्वाधीनता प्राप्त करनी है। तो मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को ही जेल खानों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों मुक्त कराना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। मेरठ में मिली सफलता से उत्साहित होकर सैनिक जो थे वो दिल्ली की तरफ बढ़े। दिल्ली आकर क्रांतिकारी सैनिकों ने कर्नल रिपले की हत्या कर दी थी और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था उन्होंने। तो इसी समय अलीगढ़ इटावा आजमगढ़ गोरखपुर और बुलंदशहर में भी स्वतंत्रता की घोषणा की जा चुकी थी। तो इस तरह क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। इस हिसाब से पूरा ये ताना बाना रचा गया था, मेरठ से शुरू हुई क्रांति पूरे भारत में यहाँ फैल गई थी। अब हम देख लेते हैं विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे और विद्रोह कैसे कैसे कहाँ कहाँ हुआ था। तो ये मैंने पूरा एक टेबल आप लोगों को दिया हुआ है। तो दिल्ली का जो विद्रोह हुआ था उसके विद्रोही नेता थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। विद्रोह का दिन था 11 मई 1857 और इसको कुचलने वाले सेना नायक थे निकोलसन और हटसन, और समर्पण का दिन था 20 सितंबर 1857। इसी तरह लखनऊ में बेगम हजरत महल विद्रोही दल की नेता थी और उनके पुत्र विरजिस कादिर ने भी वहां पे उनका साथ दिया था। यह विद्रोह आरंभ हुआ था 4 जून 1857 को यहां पर, और कैंपबेल ने विद्रोह को कुचलने के सेना नायक के रूप में यहाँ काम किया था, और समर्पण का दिन हुआ था 31 मार्च 1858। आगे बात कर लेते हैं विद्रोह का केंद्र कानपुर की। कानपुर में विद्रोही जो नेता थे वो थे नाना साहेब और तात्या टोपे। विद्रोह का दिन था 5 जून 1857 और कॉलिन कैंपबेल ने यहाँ पर विद्रोह को कुचला था और 1 दिसंबर 1857 में यहाँ समर्पण कर दिया था विद्रोहियों ने।
नेक्स्ट बात करेंगे झांसी ग्वालियर की। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था तात्या टोपे ने और विद्रोह का दिन था जून 1857। और यहाँ पर विद्रोह को कुचलने वाले जो सेना नायक थे वो थे जनरल ह्यूरोज और समर्पण का दिन था 17 जून 1858 का। ऐसे ही जगदीशपुर की बात करते हैं तो जगदीशपुर केंद्र था और यहाँ के विद्रोही नेता थे कुंवर सिंह और अमर सिंह, दो नेता थे यहाँ पर। कुंवर सिंह ने मेल यहाँ रोल निभाया था और 12 जून 1857 को विद्रोह का दिन निश्चित किया था। यहाँ मेजर विलियम टेलर ने विद्रोह को कुचलने के सेनानायक के रूप में कार्य किया था और दिसंबर 1858 में समर्पण का दिन घोषित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं फैजाबाद केंद्र की। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोही नेता के रूप में कार्य किया और जून 1857 को यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ और जनरल रेनाल्ड ने विद्रोह को कुचलने का कार्य किया और 5 जून 1858 को समर्पण का दिन हुआ यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद में विद्रोही नेता थे लियाकत अली और इन्होंने जून 1857 को विद्रोह आरंभ किया था। कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबाया था और 1858 को ये विद्रोह पूरी तरह से दबा दिया गया था। तो ये मैंने शॉर्ट में बिल्कुल आप लोगों को बताया है कि विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, विद्रोह का दिन कौन सा था, समर्पण का दिन कौन सा था, विद्रोह को कुचलने वाले सेना नायक कौन से थे। और यही चीज़ पूरी यही वाली सेम टू सेम चीज़ एक बॉक्स में दी गई है स्पेक्ट्रम में और पूरी डिटेल में यहाँ डिस्कस किया गया है उसके बारे में। तो हम आगे बात करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में कि विद्रोह जो हुआ था 1857 का उसकी असफलता के क्या कारण थे, उस क्रांति के क्या परिणाम हुए थे और ये स्वतंत्रता संघर्ष था या सैनिक विद्रोह, ये सारी चीज़ें रह जाएंगी नेक्स्ट वीडियो के लिए और वो लास्ट वीडियो होगी हमारे इस टॉपिक की, फिर सेकंड चैप्टर यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल और मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।